यह है दोस्तों बोट की तरफ से आने वाला एक 2.1 चैनल साउंड बार जिसका पूरा नाम है बोट अवंते बार थंप। और दोस्तों ये बोट के बाकी साउंड बार जो इस बजट में आते हैं उनसे काफी अलग है, तीन मायनों में स्पेशली काफी अलग लगा मुझे। एक तो पावर आउटपुट, इस बजट में जो आपको बोट के या इवन जैबरोनिक्स के भी साउंड बार देखने के लिए मिलेंगे उनका पावर आउटपुट होता है 100 वाट, 120 वाट, 160 वाट, इसका है 200 वाट और वो भी RMS वैल्यू में। दूसरा जो मुझे अलग लगा कि सबवूफर साइज बाकियों में 6.5 इंच का मिलता है लेकिन यहाँ पे 5.25 इंच का है, जो कैसा साउंड करता है अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। और तीसरा दोस्तों ऑडियो क्वालिटी भी इसकी अपने बाकी साउंड बार्स जो इस प्राइस रेंज में आते हैं उनसे काफ़ी अलग है। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे जो इसकी रेटिंग है ना वो है ऑडियो क्वालिटी की 4.3 और बेस क्वालिटी की भी है 4.3, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये रेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए उसे बताने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि ये चैनल अब ओपन है ज्वाइन करने के लिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर प्रेस करके, उस पर क्लिक करके आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि स्पीकर बाय करने से लेके स्पीकर को कैसे प्लेस करना है, आपकी टोटल जो कन्फ्यूजन्स होती है ना उनको सॉल्व करने में मैं आपकी प्रायोरिटी बेसिस पर आपकी पूरी हेल्प करूँगा, जिससे ये होगा कि आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे और आपका पैसा वेस्ट होने से भी बच जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये बाकी साउंड बार जो बोट के आते हैं उनसे ये ऑडियो क्वालिटी में कैसे डिफरेंट है। आप ये ऑडियो सैंपल को जरा ध्यान से सुनिए। इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि साउंड थोड़ी अच्छे समझ में आ रही है, डायलॉग्स थोड़े ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहे हैं, उन्हें सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, डायलॉग्स बहुत ज़्यादा पतले नहीं है, बहुत ज़्यादा श्रिल नहीं है या ओवर शार्प नहीं है और कोई ज़्यादा हार्शनेस भी नहीं है, जो कि बाकी साउंड बार में बोट के क्या होता था कि डायलॉग बहुत ज़्यादा पतले नुकीले से और कानों में चुभने लगते थे स्पेशली ज़्यादा वॉल्यूम करने पर। इसमें वो शिकायत काट दी गई है। इवन बोट के मैं बताऊँ को 1500, 1550, 2000, 2750, 1700D या इवन जैबरोनिक्स के बहुत सारे मॉडल मैं देखे थे कि हाइज के नाम पे बहुत ज़्यादा हार्शनेस और वोकल्स मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी के नहीं आते थे। तो ये जो शिकायतें थी वोकल्स को लेके स्पेशली डायलॉग डिलीवरी को लेके वो यहाँ काफ़ी हद तक हटा दी गई है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह हाइज यहाँ बहुत ज़्यादा शानदार है, शानदार हाइज इस प्राइस रेंज में उम्मीद करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन वो जो हार्शनेस थी अजीब सी कानों में चुभती थी वो सब चीज़ें ज़्यादा हट गई हैं एंड डायलॉग आपको यहाँ पे थोड़ी अच्छे समझ में आ रहे हैं कंपैरिजन टू अदर मॉडल्स ऑफ बोट एंड जैबरोनिक्स एंड इवन गोवो। वैसे दोस्तों इसके रिमोट के अंदर ट्रैवल कंट्रोल का बटन मिल जाता है जिससे आप ट्रैवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ मुझे एक प्रॉब्लम ये लगी कि जैसे जैसे आप ट्रैवल को कम करते जाओगे वोकल्स भी कम होते जाएंगे, मिड्स स्पेशली कम होते जाएंगे, तो एक तरीके से ट्रैवल को कम करने पर ट्रैवल कम होना चाहिए वो वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे, और मोस्टली साउंड बार के अंदर वो चीज़ वैसे होती नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक है, इसको ठीक करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ना। दोस्तों कमिंग टू द बेस, यहाँ पे आपको जो एक 5.25 इंच का सबवूफर मिलता है ना वो एक बैलेंस्ड बेस प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए बोट जाना जाता है बेस बूस्टेड साउंड सिग्नेचर के साथ आने के लिए, बेस बूस्टेड साउंड सिग्नेचर प्रोड्यूस करता है वो, और आपको एक हैवी एंड थम्पी बेस आपको मिलता है, कुछ मॉडल्स में डीप भी जाता है बेस, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बैलेंस आपको बेस मिलता है। हालांकि जो बेस का नेचर है जिस तरीके से अपर प्लस लोअर का जो कॉम्बिनेशन वो रखते हैं, जो ट्यूनिंग रखते हैं, वो मोर और लेस बाकी मॉडल्स का सिमिलर ही है, उसको बैलेंस कर दिया गया। और ये भी एक वजह है कि डायलॉग डिलीवरी अच्छी समझ में आ रही है इसकी वजह से, तो वोकल्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वो एक। तो दूसरी चीज़ दोस्तों बेस का मजा लेने के लिए आपको वॉल्यूम को 50% प्लस पे ले जाना पड़ेगा अगर आप उस बेस का फील लेना चाहते हैं जो बेस इसमें अवेलेबल है। दूसरा
बेस का जो पीक पोटेंशियल है मेरे अकॉर्डिंग वो 80% वॉल्यूम पर है। 80% वॉल्यूम पे अपना वो पूरा पोटेंशियल देता है, उसके बाद बेस आपको इंक्रीज नहीं होगा और हल्की फुल्की डिस्टॉर्शन भी देखने को मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग्स जो आप प्ले करोगे इसमें। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा ओवरऑल सिस्टम इज गुड एंड बट इसकी जो लुक्स हैं वो मोर देन गुड हैं, क्योंकि इसका जो लुक है वो एक स्पोर्टी लुक आता है, काफ़ी अच्छा लगता है, आपके फर्नीचर के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा, नोटिसेबल है। एंड लुक्स दोस्तों बोट हमेशा मतलब यहाँ एक ज़बरदस्त काम करता है। एक और चीज़ दोस्तों जो मुझे इसकी अच्छी लगी, लाउडनेस। लाउडनेस में किसी भी तरह की बोट की तरफ से किसी भी मॉडल मैंने देखा है, ज़्यादातर मॉडल्स में ये कमी नहीं छोड़ता है, तो लाउडनेस भी दोस्तों आपको भरपूर मिलती है। स्मॉल से मीडियम साइज रूम को अच्छी तरीके से अपनी लाउडनेस से फिल करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब देखिए जिस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है वो ये है दोस्तों कि हाँ डायलॉग डिलीवरी ठीक ठाक मिलती है आपको और बैलेंस बेस मिलता है, लाउडनेस अच्छी खासी मिलती है और अच्छा खासा लुक्स मिलता है। फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कनेक्टिविटी में भी किसी तरह की कमी नहीं है। HDMI, ARC, ऑप्टिकल ब्लूटूथ, जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग सारी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। किस चीज़ की उम्मीद हम नहीं कर सकते, एक तो थम्पी बेस। दोस्तों इसका नाम है बोट अवंति बार थम्प, और थम्प सुन के लोगों का एक्चुअली में मीनिंग जाता है कि हाँ बहुत थम्पी आपको बेस मिलेगा जो आपके चेस्ट पे लगेगा एंड डीप जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थम्प है यहाँ पे आपको मिलेगा, वो भी बहुत मतलब एक वॉल्यूम ज़्यादा करने पे आपको महसूस होगा, लो वॉल्यूम पे वो महसूस नहीं होगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा आपको बेस मिल जाएगा बोट के दूसरे मॉडल जैसे कि 2050 में 3150D हो गया, एक 1550 प्रो हो गया, इसमें भी अच्छा खासा आपको बेस मिलेगा। तो इसमें वो उस तरह का बेस नहीं है और जानबूझ के बोट ने कम ही रखा है, ताकि इस बार इन्होंने मुझे लगता है कि पैसा जो लगाया है साउंड बार पे लगाया है रादर देन बेस। और कुछ चीज़ों की हम जो उम्मीद नहीं कर सकते, देखिए इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, डिटेलिंग, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वोकल्स, बहुत ज़्यादा एयरी हाइज, ये सब चीज़ों की उम्मीद तो हम इस प्राइस रेंज में इस तेज तो क्या किसी भी साउंड बार से नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत रेयर है। कुछ कुछ साउंड बार हैं वैसे जो अच्छी हाइज के साथ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, अपनी वैल्यू को अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन बहुत रेयर हैं दोस्तों वो साउंड बार। तो इस साउंड बार से हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की या रिचनेस की उम्मीद नहीं कर सकते। ये साउंड बार कैजुअल लिसनिंग के लिए बहुत बढ़िया है और आप बोट के फैन हैं तो डेफिनेटली आपको ये खरीद लेना चाहिए। एंड अगर आप पहली बार अपने टीवी के स्पीकर से शिफ्ट हो रहे हैं किसी साउंड बार पे और आपने ये साउंड बार लेना चाहते हैं इसको, तो बिल्कुल भी आप निराश नहीं होंगे, आपको मज़ा ही आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा टोटल रिव्यू और आने वाले वीडियोस में इसको कंपैरिजन करेंगे। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में बोट के मल्टीपल सिस्टम्स जो हाल ही में लॉन्च हुए दिखाए जाएँ और उनको रैंक किया जाए वन बाई वन, मैं प्लान कर रहा हूँ और वो वीडियो जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। अब दोस्तों अगर आप वोकल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, रिचनेस हो वोकल्स में और प्राइस भी आप बहुत ज़्यादा पे नहीं करना चाहते लेकिन बेस लिमिटेड हो उससे आपका काम चल जाएगा, तो आप मेरे ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।